मैं इसके रियाजुद्दीन हुसैन आपके लिए आया हूँ ड्राइविंग का ट्रिक्स, जो आप आसान तरीके से ड्राइविंग सीख सकते हो और गाड़ी चला सकते हो। मगर ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो कंट्रोल सीट है वो एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच में होता है। वो चीज़ को आप दिमाग में अपने सेट करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना उठानी पड़े। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वह है एक्सलेटर, ये है ब्रेक और ये है क्लच। ये तीनों का काम, ये स्पीड बढ़ाता है और ये ब्रेक सिस्टम जो गाड़ी को रुकाता है, और ये जो क्लच है जो गाड़ी को एक्टिव और डीएक्टिव करता है। जैसे कि फैन का स्विच बटन, जैसे कि आप बटन मारते हो तो लाइन चल फैन घूमता है, बटन ऑफ करते हो तो फैन बंद हो जाता है। सेम प्रोसेस में ये अपना काम करता है, वहाँ बंद हो जाता है, मगर ये यहाँ पे बंद नहीं होता है, गाड़ी स्टार्ट हो। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम में इलेक्ट्रिक होता है, अपना स्विच कंजप करके अपने मशीनरी सिस्टम को चलाता है। तो यहाँ पे सिस्टम वही है, ये अपना स्विच ऐसे काम करता है। आपको समझना पड़ेगा ये है क्लच, क्लच को दबाने से गाड़ी जो स्टार्ट रहता है वो अपना कटआउट होता है, और उसके बाद ब्रेक को दबाने से गाड़ी रुकता है। एक्सीटर आपको गाड़ी को पावर, जिसको स्पीड बोला जाता है, वो देता है। जबकि इसको दबाते हो तो गाड़ी भागना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, स्पीड में जाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी का जो इतना गाड़ी है, जो गाड़ी 2010 के बाद से जितनी गाड़ी बनी है, जो किसी भी कंपनी गाड़ी हो, वो क्लच बिना क्लच करे स्टार्ट नहीं होने वाला है। आप क्लच करेंगे तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगा। जैसा विदाउट गियर वाला ऑटो गियर जिसको बोला जाता है, वो गाड़ी का ब्रेक सिस्टम करेंगे, जैसे कि क्लच नहीं होता है, इसको निकाल दिया जाता है। क्लच ऑटो गियर में क्लच नहीं होता, गियर होता है, मगर क्लच सिस्टम बाद में बता सकता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। और ये सिस्टम आपका ये है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है। ये ब्रेक से दबा के अपना जो पुश बटन होता है गाड़ी में, पुश बटन होता है, उस पुश बटन में गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको कल मिलूंगा इसी टाइम पर। खुदा हाफिज़, सब बखैर।